दोस्तों, मैं अखिलेश पंडित आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लिखे मैथ फॉर यू पे। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं, राइट। तभी अब केट का एग्जाम नज़दीक है, 28-29 तारीख से चालू हो जाए, 27 से चालू हो जाएगा, 3 दिन रहेगा। तो हम आज से टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टॉपिक चालू करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर दें। तो ये हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन आ गया, राइट। उससे पहले समझते हैं हमें ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या होता था जब, जैसे कि मैंने आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, मेरे को कुछ आपसे काम कराना, तो मैं क्या बोलूँगा, भाई मैं आपको इतने पैसे दूँगा, आप इतने दिन में यह काम ख़त्म कर देना, राइट। मतलब 100 रुपये दिया आपको, 1 लाख दिया, मैं 10 दिन में काम ख़त्म कराना, राइट। तो आप क्या सोचेंगे, मैं कम से कम मजदूर रख के ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे करा लूँ, उसमें आपको प्रॉफिट होगा। तो यही सब कंसेप्ट को रखते हुए ये टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट आया और हम अभी इसको पढ़ते। लगभग 101% सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। तो ये हमारा एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक है, बेसिक से थोड़ा सा हार्ड जो क्वेश्चन है, हार्ड तो नहीं रहता है, कंसेप्ट जो घुमा उमा के फिर पूछता है उसके ऊपर जाएंगे, राइट। तो क्या बोल रहा है, ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, राइट, बी अलोन डू सेम वर्क इन 30 डेज, राइट। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका एक यूनिटरी मेथड आला है, वो थोड़ा लंबा पड़ जाता है, राइट। तो हम देखेंगे जो सबसे इजी मेथड रहता है उसके ऊपर डिस्कस करें, राइट। ए भाई जो है 20 दिन में काम करता है और बी जो है 30 दिन में काम करता है, राइट। तो दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो कितना होगा, राइट। जैसे कि आप कोई है, एक दिन में 10 चॉकलेट खाता है, बी 20 चॉकलेट खा दे, तो दोनों मिलके अगर साथ में खाने लगे तो कितने दिन में ख़त्म करेंगे, कितने देर में ख़त्म करेंगे, राइट। तो यही सब है, इसको अब हम देखते। ये है कोई काम को 20 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम, अगर ऐसा क्वेश्चन हमें दिखे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दो अगर दोनों साथ में पूछे तो दोनों का हम LCM लेंगे, राइट। LCM मतलब कैसा, इस दोनों में सबसे छोटा मल्टीपल लेंगे जो दोनों से डिवाइड हो जाए, राइट। तो आप सभी को पता है इसका LCM कितना आ जाएगा हमारे पास, 60। तो ये जो 60 आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल वर्क आ गया हमारे पास, राइट। 60 क्या हमारे पास, टोटल वर्क। तो ये हमारे पास क्या है, टाइम, राइट। अब हम इसकी इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी मतलब क्या, जैसे कि कोई एक दिन में 4 गुना काम करता है, राइट, एक दिन में 4 गुना काम करता है। एक दिन में अगर वो 4 काम करता है तो ज़्यादा काम करेगा, कोई 10 दिन में 4 गुना काम करता है, तो दोनों में से इफिशियंसी किसका ज़्यादा, जो एक दिन में 4 गुना काम करता है, राइट। तो यही रहता है। अब हम इसका इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, टोटल जो हमारे पास वर्क है, टाइम क्या रहता है हमारे पास, टाइम का एक फॉर्मूला है, टोटल वर्क अबाउंड इफिशियंसी, राइट। तो हमारे पास टाइम है तो हम उससे इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो इसका क्या आ जाएगा, टोटल वर्क है हमारे पास, अगर इधर इफिशियंसी इसका निकालूँ मैं तो ये आ जाएगा 20। ए का इफिशियंसी कितना आ जाएगा हमारे पास, 3, और इसका कितना आ जाएगा, 2, राइट। मतलब क्या, ये जो है ये टोटल वर्क है, ये जो है एक दिन में 3 यूनिट काम खत्म कर देता है, राइट। तो 20 दिन में 60 यूनिट मतलब टोटल कर देगा, और बी जो है वो 2 यूनिट एक दिन में करता है, राइट। तो 30 दिन में पूरा ख़त्म कर देगा। अब दोनों साथ में कितने काम करेंगे, राइट। तो दोनों साथ में कितने यूनिट काम करेंगे, सबसे पहले हम उसकी, उसका जो क्षमता, उसका जो इफिशियंसी, इफिशियंसी मतलब क्या, वो कितने तेज़ी से काम कर सकता है, राइट, वो हम, उसको हम इफिशियंसी कहते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी की इफिशियंसी कितना आ जाएगा हमारे पास, ए की इफिशियंसी 3 है, इसका 2, राइट। तो टोटल इफिशियंसी 5 हो जाएगा, ये हमारे पास 5 आ गए। ए की इफिशियंसी कितनी होगी, 5। मतलब क्या, अगर ए और बी दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 5 यूनिट करेंगे, राइट। एक दिन में अगर 5 यूनिट करता है तो 60 यूनिट करने के लिए कितना दिन लगेगा, राइट। तो सिंपली हमारे पास क्या था, टाइम। इस इनका टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी का टाइम, टोटल वर्क हमारे पास 60 था और इनकी इफिशियंसी 5 थी, तो कैंसिल हो जाएगा, 12 25 60। मतलब क्या,
जब ए और बी साथ में काम करेंगे तो उनको 12 दिन लगेगा, राइट। आई होप आपको समझ गया होगा हमें इस सब जो हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करते। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा अलग क्वेश्चन आ चुका है, अलग लेवल का, राइट। लेवल वही है, सब कुछ वही रहता, सिर्फ वो घुमा के पूछ देता है, राइट। तो क्या ए एंड बी टुगेदर कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 7.5 डेज, बी अलोन डू सेम वर्क इन 25 डेज। तो ए को कितना दिन लगेगा वो काम को करने में, राइट। तो लिखते हैं ये 7.5 इसको लिया ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको हम क्या बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या रहता है, जैसे कि ये 7.5 क्या है, तो इसको कैसे लिखा गया है, ये एक्चुअली इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते और इसमें ऐड करते तो हो जाएगा 15/2, राइट। आई होप आपको समझ गया होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन हमने सबसे पहले पढ़ लिया ध्यान से, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ए और बी को कितना दिन लगता है, ए प्लस बी को लगता है 15/2 डेज, ये हमारे पास टाइम है, राइट। और बी अकेला कितने दिन में कर देता है, बी अकेला 25 दिन में कर देता है, राइट। 25 दिन में कर देता है बी अकेले ये काम, तो ये कितने दिन में उसी काम को अकेले करेगा, राइट। अब यहाँ पे तो हम एलसीएम कैसे लेंगे, इसमें हमें एलसीएम लेने में बहुत दिक्कत होगा। तो जो हमारे पास डिनोमीटर रहता है उसको हम इग्नोर करते हैं, राइट। हम ऊपर वाले और नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, राइट। ये क्यों होता है, कैसे होता है, कोई जब हम कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे तो हम इजीली इसको समझेंगे ऐसा क्यों लेते हैं। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, राइट। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास सिंपली, अब हम 15 और 25 का एलसीएम लेंगे। तो जो सबसे बड़ा रहता है उसमें हम ऐसा नंबर खोजेंगे जो छोटे वाले को कंप्लीट डिवाइड कर देगा, राइट। तो 25 दुना 50 15 के इसमें नहीं आता है, 75 दोनों में आता है, इसका एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 75, राइट। अब हम इसकी इफिशियंसी निकालेंगे, राइट। इफिशियंसी, अब इफिशियंसी क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम हमारे पास है, वर्क हमारे पास है, तो इसका इफिशियंसी कितना आ जाएगा, ए का इफिशियंसी टोटल वर्क कितना है, इसका टाइम कितना लग रहा है 15/2। तो ये नीचे वाला 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपली कितना आ जाएगा हमारे पास 15 × 5 = 75। तो इसकी इफिशियंसी कितना आ जाएगा हमारे पास 10। ये कैसे किया मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। 15/2 हमें इसको, ये हमारे पास टाइम था, हमने टोटल इसको ऐसे किया, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 15/2, ये ऊपर आएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो 10 इसकी इफिशियंसी 10 हो गया और इसका तो सिंपली 3 हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास क्या है, ए और बी की इफिशियंसी कितना है, ए और बी की इफिशियंसी हमारे पास 10 है, राइट। हमें चाहिए ए क्या, ये कितना यूनिट काम करता है, राइट, कितने दिन में करता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए वो एक दिन में कितना काम करता है, उसके बाद हम जितने दिन चाहिए उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो हमारे पास बी का पता, बी कितना हमारे पास 3, तो हम बी की जगह पे 3 रखेंगे 10। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास सिंपली 7, माइनस होगा 7 यूनिट। टोटल वर्क को हम टोटल यूनिट भी आप लिख सकते हैं, मतलब कैसा, जैसे कि हमारे पास टोटल 75, तो उसमें से एक दिन में बी सिर्फ 3 कर रहा है और दोनों मिलकर 10 यूनिट काम कर रहा है, राइट। तो ए कितने दिन में करें, तो ए एक दिन में 7 यूनिट कर रहा है, इतना हमें पता चल गया, राइट। तो टोटल कितना था 75, तो हम चाहिए कितना, ए को कितना दिन लगेगा, तो सिंपली हम 75 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो कितना जाएगा हमारे पास 10 × 7 बच गया 5/7, राइट, इतना डेज। तो ए को काम करने में कितना दिन लगेगा, 10 × 5/7 डे लगेगा, राइट। या फिर इसको आप ऐसे 75/7 भी लिख सकते हैं, जनरली ऑप्शन में इस तरह का रहेगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको समझा होगा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, राइट। इसमें कितने जन ए बी सी, 3 जन है, राइट। देख लेते हैं इसको, ए बी सी टुगेदर कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, बी अलोन कैन डू सेम वर्क इन 18 डेज, सी अलोन कैन डू सेम वर्क 24 डेज, इन हाउ मेनी डे ए कैन कंप्लीट अलोन
सेम वर्क, मतलब ए को उसी काम अकेले जब करेगा तो कितना टाइम लगेगा, राइट, ये हमें फाइंड करना है, तो कर देते हैं। तो सेम प्रोसीजर है, ए और बी कितने दिन में करता है, ए बी सी हमारे पास कितने दिन में कर देता है, 8 दिन में कर देता है, ठीक, उससे 8 दिन में करा लिए। और बी जो है वो अकेले कितने दिन में करता है, 18 डेज। और सी जो है वो कितने दिन में करता है हमारे पास, 24 डेज, राइट। तो हमें पूछा है कि ए कितने दिन में करेगा, राइट। तो सेम जैसे हम सबसे पहले सबका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम जो सबसे बड़ा नंबर रहता है उसमें हम उसके मल्टीपल में हम ऐसा नंबर चेक करेंगे कि जो छोटे नंबर है उसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा, राइट। तो हम इसको अब देखते हैं, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 48, इसमें 48 नहीं आता, 72, इसमें 72 आता, इसमें आता, इसमें आता, राइट। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, सिंपली हमारे पास 72, ये हो गया हमारे पास टोटल टाइम, ये हमारे पास टोटल वर्क, इधर हम इफिशियंसी निकालेंगे, राइट। तो जब हम 8 को 72 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 8 72, 18 4 72, इधर 4 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, राइट। अब आपको पता है ए और बी तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 9, हमें चाहिए ए का, तो इधर हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितना है, 9, एक्चुअली ये 9 क्या है, एक दिन में वो इतना यूनिट काम ख़त्म कर देता है, राइट। अब हमें चाहिए ए का, तो उसके लिए हमारे पास इन्होंने एक ट्रिक दे दिया, बी और सी है उसका यूनिट 4 और 3 है, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते, बी एक दिन में 4 यूनिट करता है, सी एक दिन में 3 यूनिट करता है, टोटल दोनों मिलकर 7 यूनिट करेंगे। तो इससे हम ए का निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 9 माइनस 7, तो ए का कितना आ जाएगा हमारे पास, सिंपली 2 यूनिट। ए जो है 2 यूनिट एक दिन में करता है, तो 72 यूनिट कितने दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा, राइट। तो ए के लिए हम निकाल देंगे, ए कितना आ जाएगा, 72/2, राइट। तो कितना आ जाएगा, 36 डेज, राइट। ये हमने कैसे निकाला, तो एक बेसिक फॉर्मूला है, टाइम क्या रहता है हमारे पास, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, राइट। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, राइट, ये थोड़ा अलग है, क्या है इसमें, ए कैन डू हाफ ऑफ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, राइट। ये जो है कोई काम का आधा काम 5 दिन में करता है, मतलब क्या, ये जो है आधा काम 5 दिन में करता है, राइट। जब एक आधा काम 5 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, राइट। अगर एक आधा काम 5 दिन में करता है तो एक काम 10 दिन में करेगा, राइट। तो सिंपली यहाँ से हमें मिल गया, ये कितने दिन में करता है, ये 10 दिन में करता है, राइट। और बी क्या है, बी कैन डू 3/5 ऑफ द वर्क इन 9 डे, बी जो है 3/5 9 डे में करता है, राइट। 3/5 मतलब ये एक्चुअली ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, आप आधा आम 2 दिन में खाते हो, राइट, तो पूरा आम कितने दिन में खाएंगे, 4 दिन में, राइट। जैसे आधा 2 दिन में खाते हो तो पूरा कितने दिन में खाएंगे, 4 दिन में, राइट। मतलब कोई चोर है, आधा तिजोरी एक पूरा तिजोरी आधे दिन में आधा साफ कर देता है, या फिर 3 दिन में आधा साफ करता है, तो पूरा साफ करने में उसको कितना दिन लगेगा, ऑब्वियसली 6 दिन लगेगा, राइट। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे वापरा है, तो यहाँ पे ये इतना हो गया, 3 काम 9 दिन, 5 काम के 3/5, मतलब टोटल 5 में से 3 काम उसने 9 दिन में कर दिया, और बच गए 2, तो टोटल इसको कितने दिन लगेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है 9 है, इसको क्या करें, इसके इनवर्स लेके 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास डे आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 15, राइट। इसको आप ऐसे भी कर सकते, ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, यही रहता है। तो बी को रहेगा हमारे पास 15 डेज, और सी कितना है, सी कैन डू 2/3 ऑफ वर्क इन 8 डेज, सी जो है 2/3, 3 में से 2, 3 में से 2 मतलब
कोई काम है उसका 2/3 राइट, वो 8 दिन में करता है, तो पूरा कितने दिन में करेगा? तो सिर्फ पूरा करेगा 8 × 3/2 मतलब कितना, 12 डेज में करेगा राइट। तो सी का हमारे पास कितना आ गया, 12। अब इजीली तीनों मिलके कितने दिन में ख़त्म करेंगे वो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं राइट। तो इनका एलसीएम ले लेंगे तो इधर हमारे पास आ जाएगा टोटल वर्क, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा राइट। अब देखिए सबसे बड़ा कितना है, 15 का हम मल्टीपल देखेंगे, 30 इसमें आता है इसमें नहीं आता है, 45 इसमें इसे भी इसमें आता है, 60 इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, और इसमें तो बाय डिफॉल्ट है ही, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 60। तो 60 क्या आ गया हमारे पास, टोटल वर्क आ गया, ये हमारे पास टाइम था। अब हम इफिशियंसी निकालेंगे, तो इसका इफिशियंसी कैसे निकलेगा, सिंपली ये 6 हो जाएगा इसका इफिशियंसी, 60/10 6 आ जाएगा ए का इफिशियंसी, बी का आ जाएगा हमारे पास 4, ये हो जाएगा 5। अब तीनों साथ में कितने दिन में करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये पता है, हमें तो ये पता है टोटल इतना यूनिट काम कराना है, तीनों से कराना है, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए ये तीनों मिलके एक दिन में कितना कर लेगा। अगर एक दिन में वो एक्स करेगा तो हमारे पास एन डेज है, तो हम एन से मल्टीप्लाई करके उससे निकाल सकते कि हाँ, डिवाइड करके हम निकाल सकते कि वो इतने दिन में कर देगा राइट। तो तीनों की इफिशियंसी कितना आ जाएगा हमारे पास, इफिशियंसी इज नथिंग बट इट इज अ कैपेसिटी टू डू सम वर्क राइट। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, सिंपली 6+4+5। ये एक्चुअली ओरली भी कर सकते, ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। एक बार अगर आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते तो आपको भी पता है प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट, स्मार्ट प्रैक्टिस इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे, एक्चुअली स्मार्ट प्रैक्टिस कब आता है, जब हम प्रैक्टिस करते जाते तो ऑटोमेटिकली ये सब एक्चुअली क्या, जो हमारे पास यूनिटरी मेथड था, सबसे पहले यूनिटरी मेथड था राइट, तो उसमें क्या हो गया, उसको कंटिन्यूसली स्टडी करते 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 उसी को शॉर्टकट बना दिया राइट। जैसे कि हम पहले डब्बा वाला फ़ोन यूज करते थे, अभी एडवांस टेक्नोलॉजी में आ गया हमारे पास स्मार्टफोन, सेम उसी का है, वही थिंग अप्लाई होता है। तो इसका टोटल यूनिट कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 राइट, 6+15 हो जाएगा राइट। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 60। ये तीनों मिलके एक दिन में 15 यूनिट काम कर देते हैं, तो एक दिन में कितने दिन में पूरा कर देंगे राइट, तो 4 दिन में पूरा कर देंगे राइट। ए प्लस बी प्लस सी कैन कंप्लीट होल वर्क टुगेदर इन 4 डेज। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया राइट, क्या है, ए कैन डू पीस ओवर 36 डे, बी करता है 9 दिन में, सी करता है 36 दिन में, तो तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे राइट। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ये कितने दिन में करता है, 36 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 9 डेज में, सी कितने दिन में करता है, 36 डे और ये 18 था, सॉरी इधर 18 था, तो ये 18 डेज में करता है, बी 9 डेज में करता है, सी 36 डे में करता है, तो ये तो कर दिया। अब ये जो तीनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में करेंगे राइट। तो सबसे पहले हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तीन का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, अब तीनों 36 सबसे बड़ा है तो इसका एलसीएम भी 36 ही हो जाएगा। अब हम इसका एफिशिएंसी निकालेंगे राइट, तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 2, इसका आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 1 राइट। तो तीनों का पूछा है तो तीनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 5 और 6 यूनिट काम करेंगे, तो टोटल यूनिट कितना हमारे पास, 36। तो टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी कितना आ गया, 6, तो 6 दिन में, तो कर एक्चुअली ये कितने दिन में हो जाएगा, 6 और 1 7 दिन हो जाएगा इधर राइट, 7 डेज राइट। तो इधर कितना आ जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा, तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर देंगे राइट, 7 × 5 = 35 राइट, 7½ इतने दिन में कर देंगे राइट, डेज। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इफिशियंसी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।